वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो अपने पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है, जो अपनी सुविधाओं के लिए जानी जाती है, अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। बेसिकली वनडे रन मतलब जिस दिन जाना और उसी दिन आने वाली सुविधा लेके ये ट्रेन चलती है और बड़े शहरों को लेके मझोले शहरों को लेके चलती है जहाँ पे इतना ट्रैफिक मिल जाए कि ये बिना ज़्यादा स्टॉप लिए उन दोनों शहरों को जोड़ सके और टाइमली जोड़ सके, टाइम से चल सके। और ये ऐसी ट्रेन है जिसको लेके रेलवे डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव रहता है और इसके लिए सिग्नल क्लियरेंस वगैरह बहुत श्योर रहता है कि ये ट्रेन आ रही है तो इसको क्लियर सिग्नल देना है। दैट्स वाई इसकी पंक्चुअलिटी मेंटेन होती है, इसका टाइम टेबल मेंटेन होकर रहता है, जिसके कारण ये उन प्रोफेशनल्स की पहली पसंद है जिनके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। उनको टाइम पे हर चीज़ होना, इतने बजे यहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए वो ज़्यादा पे कर सकते हैं लेकिन उनको टाइम बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही ट्रेन वंदे भारत एक नई ट्रेन चलाई जा रही है जो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन चलेगी, बड़े शहर डेफिनेटली बड़े शहर से बड़े शहर तक हफ्ते में 3 दिन चलेगी और ये सिर्फ कुछ 25 दिन के लिए चलाई जा रही है, यानी कि 31 जुलाई से 25 अगस्त तक के लिए चलाई जा रही है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये कुछ स्पेशल ट्रेन है, एक्स्ट्रा जो रश रहता है उसको निपटाने के लिए चलाई जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं ये कौन सी वंदे भारत है। ये जो वंदे भारत है ये चलने वाली है एर्नाकुलम से बेंगलुरु केंट तक, या फिर बेंगलुरु केंट से एर्नाकुलम तक चलने वाली है वंदे भारत। ये हफ्ते में 3 दिन चलेगी। आपको बता देता हूँ, पहले इसका नंबर बता देता हूँ, 06001 जब ये बेंगलोर से एर्नाकुलम चलेगी, और जब एर्नाकुलम से बेंगलुरु केंट चलेगी तो 06002 इसका नंबर हो जाएगा। ये बेंगलोर से चलेगी वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को, और एर्नाकुलम से चलेगी थर्सडे को, सैटरडे को और मंडे को। मीन्स वो एक तरफ एक दिन जाएगी और दूसरे तरफ वहीं से आएगी, ये ऐसा एक शेड्यूल है। चलिए जान लेते हैं, ये 31 जुलाई से 25 अगस्त तक चलने वाली है। ओके, सो एर्नाकुलम से दोपहर में 12 बजे चलेगी वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को। दोपहर में 12:50 पे ये एर्नाकुलम से चलेगी, 1:53 पे ये पहुंच जाएगी त्रिशूर, इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है त्रिशूर पहुंच जाएगी। 3:15 पे ये पलक्कड पहुंच जाएगी, 4:13 पे ये उडनूर पहुंच जाएगी। देखिए इसमें स्टॉपेज जो है ये मैक्सिमम, इस ट्रेन का मैक्सिमम स्टॉपेज जो है वो 5 मिनट का है, तो मैं सिर्फ आपको पहुंचने का टाइम बता रहा हूं, 2 से 5 मिनट के बीच में ये मूव कर जाती है। तो 3:15 पे पलक्कड़ रोड है, 4:13 पे उडनूर करके है, 4:58 पे त्रिशूर है, तिरुपुर करके है, उसके बाद 5:45 पे इरोड है, इरोड मेरे ख्याल से जंक्शन होना चाहिए, उसके बाद 6:33 पे ये सलेम पहुंच जाएगी, बड़ा शहर है, 9:05 पे कृष्णराजपुरम पहुंच जाएगी, 9:05 पे कृष्णराजपुरम पहुंच जाएगी, और ये 10 बजे पहुंचेगी बेंगलुरु केंट पहुंच जाएगी रात को 10 बजे। ओके, अब वापसी की अगर मैं बात करूं तो ये वापसी में सुबह 5:30 पे बेंगलुरु केंट से मूव करेगी, उसके बाद ये कृष्णराजपुरम पहुंच जाएगी 5:40 पे। जाने में इसको 1 घंटा लग रहा, आने में 10 मिनट में पहुंच जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी है शेड्यूल आप नेट पे भी चेक कर लीजिएगा, चलने से पहले इसकी जो शेड्यूल है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आप टिकट दिखाएंगे तब। ओके, सलेम पहुंच जाएगी 8:58 पे, 9:05 पे ये इरोड पहुंच जाएगी, तिरुपुर पहुंच जाएगी 10:33 पे, उसके बाद उडनूर पहुंच जाएगी 11:15 पे, 2 से 5 मिनट का स्टॉप है हर जगह, उसके बाद पलक्कड पहुंच जाएगी 12:08 पे, त्रिशूर पहुंच जाएगी 1:18 पे, और 2:20 पे ये एर्नाकुलम पहुंच जाएगी। दोनों तरफ से हफ्ते में 3 दिन है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे ये चलेगी बेंगलुरु कैंट से, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे चलेगी बेंगलुरु कैंट से, और एर्नाकुलम से चलेगी ये थर्सडे, सैटरडे और मंडे को, ये एर्नाकुलम से चलेगी। इस ट्रेन का नंबर है 06001 जब ये बेंगलुरु कैंट से एर्नाकुलम चलेगी, और 06002 जब ये एर्नाकुलम से बेंगलोर चलेगी। टाइम ड्यूरेशन जो चलने का है वो है 31 तारीख को, 31 जुलाई को बेंगलुरु केंट से चालू होगी, और उधर से 25 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को आखिरी फेरा इसका लगेगा एर्नाकुलम से। मींस 31 जुलाई से 25 जुलाई तक ही, 25 अगस्त तक ही चलनी है ये ट्रेन, और फिर उसके बाद ये एज ए स्पेशल ही चल रही है, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगी या फिर एक्सटेंशन होगी तो उसकी भी खबर रेलवे देगा। सो ये पूरी जानकारी हो गई नए ये 3 दिन चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। अगर आप इस पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार पहले पूरी जानकारी पर्सनल लेवल पे भी चेक कर लीजिएगा।